मातृभाषा शिक्षा क्लास को स्वागत पिला माने आज आम पढ़ा तपस्विनी पत्र द्वितीय भाग प्रथम भाग रे पढ़ी सारी माता सीता बनवासी समय रे प्रभु रामचंद्र निकट को एक पत्र लिखी एवं पत्र आरंभ रे से रामचंद्र को प्रणाम जनई जन आदर्श हिंदू नारी भाव चरित्र चित्रण कर भारतीय नारीर आदर्श है पतिव्रता तेणु पति को सम्मान देवा उच्च सोपान पहुंचेबा एक प्रकाश माता सीता किंतु साधारण नारीर संदेह परी तांको मनरे सृष्टि एक संदेह जत से शुणा को पाई रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ आयोजन माता सीता मनरे स्वतप्रभुत भाव प्रश्न उठी बिना पत्नी रे अश्वमेध यज्ञ करिबा संभव नुहे तेणु निश्चित भाव प्रभु रामचंद्र द्वितीय पत्नी ग्रहण करिछंती पत्र माध्यम रे रामचंद्र को अनुरोध जनाउछंती कौन रही भिक्षा कौन से अनुरोध जनाइछंती पत्र माध्यम रे वर्तमान में पढ़िबा देख पिला माने सिद्ध काम हेबे तही अर्थी समुदाय ममान से भिक्षायक होइछि उदय सिद्ध काम कामना सिद्ध हेब कामना फलप्रद हेब कहार कामना फलप्रद हेब ना अर्थी समुदाय अर्थी जे अर्थ कामना करती जे माने अर्थ कामना करती से मानकर कामना को तुम्हें सिद्धि करिथाओ सिद्ध करिथाओ मो मन से मो मन रे गोटे भिक्षा सृष्टि हेछि उदय माने सृष्टि हेबा मो मन रे भी गोटे भिक्षा सृष्टि हेछि भिक्षाटी कौन एछार भिक्षार नाथ नहेब कृपण ए भिक्षार एछार भिक्षार ए छोट भिक्षार तुम्हें केवेहले कृपण हेब ना दया रत्नमय दान बारिधि आपण आपण हे दयारे रत्नमय एवं आपण दान रूपक बारिधि बारिधिला समुद्र दान रे आपण बारिधि परी एवं दयार रत्नमय आमर छोटिया भिक्षाटी को पूरण करिबो नै तुम्हें केवेहले कृपण हेब नी एक मु जानी मु किए जानबार नुहे आवश्यक मुए जानबार आवश्यकता तुम ना सदा तुम्हे तापस अशांति नाशक सदा सब बेले तापस जे मैंने तप आचरण करती तप आचरण करपस मानकर तुम्हें सब बेले अशांति दूर कर तुम्हें अशांति नाशक तापस को किसी तुम्ह न थाए अदेय तापस मान को तुम अदेय बोली किसी न थाए अदेय है न देवार तापस मान को न देवार बोली तुम किसी न थाए मु ही तपस्विनी मत न कर हेय मु भी से भाई जन तपस्विनी तुम्हें मत के हेय करना तुम्हें मत के तुच्छ मन करना जमती तापस मान को तुम्हें सबकि मुमि जन तपस्विनी तापसर स्त्रीलिंग है तपस्विनी तुम माता सीता निज को तपस्विनी संबोधन करे तपस्विनी तेणु मत भी तुम्हें न देवार बोली किसी करना मत तुच्छ करना हेय करना जे हो आज तुम अंकर भाजन भक्ति भरे देखु जगतर जन जे हो तुम जे अंकर भाजन हो अंक है कोल भाजन है प्रतिष्ठित तुम अंकर भाजन हो भक्ति भरे देखु जगतर जन ताकि भक्ति भाव जगतर लोक मैंने चाह रही देखु थे किए तर कोल मुंडन कर नवबामा नव बिवाहिता द्वितीय पत्नी जी कि तुम अंकरे अंक भाजन होते आज जगतर जन भक्ति भाव देखु थे पूर्वे से क्यों घोर तप केउठारे केते काल केउ मंत्र जप पूर्वे अतीतरे से क्यों घोर तप करते कठिन तपस्या करते केउठारे केते काल केउ मंत्र जप करते जे तुमको बर रूपे प्राप्त होती तुमको स्वामी रूपे पाई से नवबामा जी तुम अंक भाजन होती आज जगतर सब लोग भक्ति भाव देखु थे एहा मात्र प्रभु मते देवटी जनाई प्रभु मते एही कथा केवल जनई देव अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नहीं मोर आउ को धन दरकार नहीं कोटि अश्वमेध जते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ रे जते धन दान हुए तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान जदि तुम्हें मते एही ज्ञान टी जनई देव को ज्ञान जो ज्ञान हला
ଅତୀତରେ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କେତେ କାଳ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ନବବାମା ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେଇ ଦେବ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ମୁଁ ପାଇଯିବି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବି। ମୋତେ କେବଳ ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ଜଣେଇ ଦେବ। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି କଣ ଅଛି? ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ସୀତା ନିଜକୁ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖିନୀର ମୋର ପୁତ୍ର ଯୁଗ, ଯୁଗ ହେଲା ଦୁଇଟି, ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ, ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅବୋଧ, ସେମାନେ ଅବୋଧ ନିର୍ବୋଧ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ। ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଶିଶୁ ଲବକୁଶ ଅତି ଅଜ୍ଞାନ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଅନୁରାଗ ହେଲା ସ୍ନେହ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା? ନା ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି ଥିଲା ମୋର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ଅତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ସେମାନେ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏବଂ ଛୋଟବେଳୁ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସେମାନେ ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ଜନନୀର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କର ଜନନୀଲା ମା, ମାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କିପରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ କି? ନା ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ, ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ସହାୟତାରେ, ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ମାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି। କେମିତି? ନା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ରାମାୟଣଟିକୁ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବା ଶିଖାଇଥିଲେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଲବକୁଶ ରାମାୟଣ ଗାନଟି ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ରାମାୟଣରେ କଣ ଥିଲା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗତ ଦୁଃଖ, ଗତ ଅତୀତର କଥା ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଅତୀତର କଥା ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସୀତା କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁ ଲତା ଚୟ ଯେହି ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ, ଯୋଉଠି ତରୁ ଗଛ ଲତା ଚୟ, ଗଛ ଲତା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯିଏକି ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର, ତାର ମନ ହୃଦୟ କେମିତି ନ କାନ୍ଦିବ? ଗଛ ଲତା ମାନେ ତ ଏଇ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି ଅଥୟ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଛାର ମଣିଷ, ମୋ ହୃଦୟ କେମିତି ନ କାନ୍ଦିବ ଯେ? ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ତୁମ କଥାରେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ମୋ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜେ ନିଜେ ତୁମ କଥାକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ବିମୋହିତ, ତୁମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିମୋହିତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ସେଇ ଲବକୁଶ ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ମୋର ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ତୁମ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି, ତୁମ କଥା ଶୁଣି ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ, ତୁମ ପଦରୂପକ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପଙ୍କଜ ହେଲା ପଦ୍ମ, ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ପଦ୍ମ ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମାତା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଲବକୁଶଙ୍କ ମନକୁ କିଏ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ କାହିଁକି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ତୁମ ଗତ, ତୁମ ଅତୀତ, ଗତ ହେଲା ଅତୀତ, ଅତୀତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇବେ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହଣି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର
अर्थात माता सीता निजे को निजे को दुखिनी बोली कहते जहाँ को शुणिले मोर हृदय हाणी हो जाए मु भी कांदी पकाए दुखरे न शुणिले दही प्रति धाऊ थाए मन न हुई करी तार ऐश्चुक्य दमन न शुणिले जदि मु से रामायण गान न शुणे मोर मन ठाउ थाए टिके केमिति शुणी दियंती कि से रामायण गान कि जदि शुणे तो मते कष्ट हुए मो हृदय हाणी हो जाए कहीं से रामचंद्रंकर गत दुखर कहानी रही से कथा शुणी मु दुखित तो हो मो हृदय हाणी हो जाए आउ न शुणिले भी मो मन धाउ थाए टिके से रामायण गान करती कि मो ऐश्चुक्य मो उत्सुकता को मु दमन करी पारे नाही मोर आग्रह को मु दमन करी पारे नाही कारण बारंबार मोर मन हेउथाए से रामायण कथा शुणिबा पई धीर बर से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति धीर हला पंडित बर हला श्रेष्ठ पंडित श्रेष्ठ हे पंडित श्रेष्ठ कहा को पंडित श्रेष्ठ बोली कह जाय छी ना रामचंद्र को उद्देश्य रे कह जाय छी धीर बर से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति तुम्हें से कथा को सुनी श्रवण करी श्रुति हला श्रवण करी श्रुति श्रुति अर्थगत पार्थक्य पड़ श्रुति हला श्रवण करी श्रुति हला वेद तुम्हें हे धीरवर रामचंद्र से कथा को तुम्हें श्रवण करी आणिबो यद्यपि दीना वैदेहीर स्मृति माने एठी दुखी दिनर स्त्रीलिंग हला दीना तुम्हें जदि से दुखिनीर दुखिनी वैदेहीर स्मृति के मन पकेबो वैदेही किए विदेहर राजकन्या वैदेही विदेहर राजकन्या किए माता सीता सीतांकु वैदेही बोली कह जाय छी तुम्हें लवकुशंक ठारु रामायण कथा को श्रवण करी वैदेहीर स्मृति बा सीतांकर स्मृति के मने पकेइबो जदि तुम मन को आसी जाए वैदेहीकर स्मृति वैदेहीर प्रणय को बणिबो सपन ताहाले तुम्हें वैदेहीकर प्रणय को प्रेम को स्वप्न बोली मने करिबो चाही नव प्रणयिनी प्रफुल्ल लपन नव प्रणयिनी नव विवाहिता पत्नी प्रफुल्ल लपन हला सुंदर मुह से सुंदर मुह को देखी नव बिवाहिता पत्नी कर सुंदर मुह को देखी वैदेहीर प्रणय को तुम्हें स्वप्न बोली मने करिबो लेखु थांती पत्र सती हृदय विकले पत्र धौत हेउ थाए नयनर जले लेखु थांती पत्र सती हृदय विकले सती हृदय विकले पत्र लेखु थांती पत्र पत्र अर्थगत पार्थक्य पड़िबो पत्र हे उद्भिदर एक अंग आउ एक पत्र हे चिठी एठी हेला चिठी माता सीता चिठी लेखु थांती किपरि ना हृदय विकले चिठी लेखु थांती पत्र धौत हेउ थाए नयनर जले एबु चिठी मातांको आखिर जल रे नयनर लुहरे धोई हे जाउ थाए धौत माने धोई हेबा माता सीतांको आखि लुहरे पत्रटी धोई हे जाउ थाए आउ कि लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आउ कोन लेखिबे लेखिबे बोली बसी कि भाबुथिले आसीगले कुशलब मुदे हसी हसी सेई समय रे मुदे हला आनंद रे लवकुश हसी हसी प्रवेश कले तेणु सेठारे माता सीता चिठी लेखिबा बा पत्र लेखिबा बंद करदेले पुत्र दुई जन को आनंद रे हसी हसी आसुथिबार देखि माता सीता पत्र लेखिबा बंद करदेले पिला माने आज पे एतिकि पुणी आगामी अध्याय रे आमे प्रश्न उत्तर करिबा तुमको केमिति लागुचि कोठी डाउट रहुचि से कथा कमेंट बॉक्स रे लेखिले मु जानिबी एवं चेष्टा करिबि तुम माने केमिति भलो भाबरे बुझी पारिबो मु यथासंभव चेष्टा करी तुम्हारा डाउट क्लियरिंग पाई रहुची।